They say that the road has answers to everything. तेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं. Take that road trip. चल दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नासिक. सो अब सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ. सामान वामान सब पैक हो रहा है और मैं बहुत जल्द आधे घंटे में यहाँ से मुंबई के लिए रवाना होने वाला हूँ. ब्रेकफास्ट अपन रास्ते में ही कहीं कर लेंगे और आज का अपना डेस्टिनेशन है सपनों की नगरी मुंबई. आप मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल इसलिए देख रहे हो क्योंकि शायद इन लाइफ वेरी फर्स्ट टाइम मैं मुंबई जा रहा हूँ. सो या See you in Mumbai, but before that, see you on the road from Nasik to Mumbai. तो नासिक से मैंने अपनी बाइक को फ्यूल अप कराया और देन अलोंग द हाईवे टू मुंबई आई मेड अ क्विक स्टॉप टू गेट ब्रेकफास्ट. ये था फेमस नासिक का मिसल पाव जो कि बहुत ही टेस्टी था. इफ यू आर कमिंग टू नासिक, इफ यू आर कमिंग टू महाराष्ट्र, देन यू शुड ट्राई मिसल पाव. इट्स जस्ट अमेजिंग, फिंगर लिकिंग गुड. और ब्रेकफास्ट के बाद मैं आगे बढ़ा मुंबई की ओर. तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था और हाईवे काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रेट है और 140 किलोमीटर्स था. रास्ते में मुझे कसारा घाट मिला, द फेमस कसारा घाट, जो कि अपने भूतिया स्टोरीज के लिए बहुत फेमस है. द स्टोरी ऑफ द हेडलेस घोस्ट, जहाँ पे बहुत लोग ये क्लेम करते हैं कि रात के टाइम पे वो जा रहे थे और बिना सिर वाला भूत उन्हें देखने को मिला. और घाट सेक्शन काफ़ी अच्छा था बट इट्स लिटिल डेंजरस, तो इसलिए यहाँ पर स्लो राइड करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज लॉट ऑफ बिग व्हीकल्स एंड ट्रक्स आर गोइंग थ्रू. और कहीं कहीं पर दो पहाड़ के बीच से रास्ता काट के बनाया गया है और कहीं कहीं पर आपको घाट सेक्शन देखने को मिलता है. बट ओवरऑल इट्स ब्यूटिफुल और आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि रात के टाइम पर आप मत ही ट्रैवल करो अगर ऐसी स्टोरीज फेमस हैं तो. और दूसरी बात कि यहाँ लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे ब्लाइंड टर्न्स हैं, सो इट्स बेटर टू राइड ड्यूरिंग द डे लाइट एंड राइड सेफ गाइस बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. सारा घाट से आगे बढ़ने पे अपन मुंबई की तरफ बढ़े और मैंने एक इशू क्या फेस किया कि मुंबई से अराउंड 30-40 किलोमीटर पहले की जो डिस्टेंस थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इस वजह से बहुत सारे डाइवर्जन्स और ट्रैफिक जैम्स हो रहे थे एंड उसने मुझे मेरी ओवरऑल जर्नी का मज़ा थोड़ा सा ख़राब कर दिया क्योंकि अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही थी और सडनली आई हैड टू फेस सो मच ऑफ ट्रैफिक जैम और ये 30-40 किलोमीटर्स को पार करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी. सो या विद ऑल द राइडिंग गियर्स, राइडिंग जैकेट, इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. सो आई हैड टू स्टॉप फ्यू प्लेसेस और मैंने अपने आप को हाइड्रेट किया बट इट वॉज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस. और इसके बाद मैं फाइनली मुंबई पहुँच गया. मेरा होटल पवई के पास में था सो आई वॉज जस्ट राइडिंग देयर. एज यूजल किसी भी बड़े शहर में ट्रैफिक जैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं सो यहाँ भी था बट खुशी भी बहुत थी बिकॉज अपने आमची सपनों की नगरी आमची मुंबई में मैं पहली बार आया था एंड fingers crossed I was hoping ki it is as beautiful as we have seen in the movies and heard all about it. Guys, good evening from Mumbai. So main is waqt apne hotel ke room mein hu aur abhi main yahan se nikal raha hu. Mera ek friend aa raha hai, usse milne ja raha hu main Bandra Kurla complex ke paas mein. Wahan se fir hum dono niklenge ghumne ke liye aas paas ke areas. हाँ भाई, RBI के ऑफिस के ठीक सामने है. हाँ बस ठीक है. आ जाओ. यो ब्रो, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया. बस तू बता कैसा? बस बढ़िया यार, पूरा बाइक से राइड कर रहा है. ये क्या GoPro है? नहीं नहीं, SD कैम. अच्छा, पर बता कैसा रहा राइड? बस बढ़िया रहा यार. 2000
किलोमीटर से ऊपर चला चुके हैं अभी पिछले चार पाँच दिन तो यहाँ से तो होगा कि पटना चला गया, पटना से तो पटना का तो उतना डिस्टेंस होगा मेरे को लगता है। पटना हाँ लगभग हो गए, बैंगलोर यहाँ से 1000 किलोमीटर है मुंबई से। और क्या कहना चाहता है, कितना साल बाद मिल रहे हैं हम लोग? वो लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया होगा, एक हाँ। लास्ट टाइम कब मिले थे हम लोग? मुझे लगता है लास्ट टाइम या 2014 या 15 में, 16 में। तू कब आया बैंगलोर में? मिले हैं 17 में, तुम एडमिशन लिए हो ना? हाँ नहीं 17 में नहीं, 15 में एडमिशन, 15 में एडमिशन लिए हैं तो आई थिंक 16 में मिले हैं लास्ट टाइम, 16 में मिले होंगे। इसके बाद हम निकल गए बैंड स्टैंड की तरफ, द फेमस बैंड स्टैंड। और बीच में मैंने रुका एक जगह पे टू शो यू गाइस द फादर व्यू ऑफ द फेमस सीलिंग। और यहाँ पे अपनी बुलेट अपना भाई दोनों ही। एंड नेक्स्ट वी वेंट टू द फेमस माउंट मैरी चर्च नियर बैंड स्टैंड इन मुंबई। और यहाँ पे एक बहुत फेमस चीज ये है कि यहाँ पे चर्च के बाहर में अलग अलग शेप्स की कैंडल्स मिलती हैं। अगर आपका मन है कि आपको एक नया घर मिले, अगर आपको मन है कि आपको अपना प्यार मिल जाए, और अलग अलग चीज़ें जो भी आपकी विशेज हैं बेस्ड ऑन दैट, घर के शेप के, दिल का शेप, या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की कैंडल्स मिलती हैं। बैंड स्टैंड एक बहुत फेमस जगह है इफ़ यू गाइज नो, वहाँ पे बहुत सारे फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का घर भी है। और वहाँ पे अपने फेमस सलमान खान का घर है, आई थिंक अमिताभ बच्चन का भी घर है। बट इट्स वेरी नाइस, इट्स क्वाइट सीनिक, स्पेसिफिकली जब शाम हो जाती है और टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन होता है तो उस टाइम पे मुंबई की बात ही और है, और बहुत ही बढ़िया लगता है उस टाइम पे, स्पेसिफिकली जब समुद्र जो है वो आपके शहर के बीच में हो। तो आफ्टर ऑफिस या आफ्टर योर वर्क, इफ़ यू आर टायर्ड, इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद द नेचर, यू कैन डेफिनेटली गो टू दोज बीचेस। बिकॉज इन अदर सिटीज आई थिंक मोस्टली व्हेन आई एम लिविंग इन बैंगलोर और एनी अदर सिटीज, आई थिंक बीचेस जो हैं शायद एक्सेसिबल नहीं होते होंगे। बट इन केस ऑफ मुंबई दैट्स आई थिंक द USP ऑफ मुंबई। और इस वजह से शाम के टाइम पे जब ट्रैफिक कम होता है और लोग बीच की तरफ मूव करते हैं, सो इट्स क्वाइट ब्यूटिफुल एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। सो अपन गए बैंड स्टैंड वहाँ के बीच पे कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। इट्स सिमिलर टू मरीन ड्राइव क्योंकि समुद्र के ठीक बगल में आप अपने व्हीकल लगा सकते हो एंड देन यू कैन रोम अराउंड। और जैसा कि आप देख सकते हो लाइटनिंग यहाँ पे कम हो चुकी थी और आई डोंट नो SJKM का लो लाइटनिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, सो आई अपोलोजाइज अगर वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी ना लग रही हो, बट वी ट्राई टू कैप्चर एज मच एज पॉसिबल फॉर यू गाइज। और एक 360 डिग्री शॉट तो बनता था। और आज का हमारा सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन था द फेमस एल्को वेज रेस्टोरेंट। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हो, इफ़ यू लाइक पाव भाजीज, इफ़ यू लाइक गोलगप्पाज, देन डेफिनेटली ट्राई हियर, इट्स रियली गुड। और टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में भी इसे कैप्चर किया गया है। हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन था द फेमस जुहू बीच, जो कि अगेन बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको स्ट्रीट फूड्स यहाँ पे नॉट जस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र बट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया भी मिलेंगे। और कल का हमारा व्लॉग होने वाला है साउथ मुंबई से, जहाँ पे बहुत सारे फेमस जगह हैं, गेटवे और ताज होटल और अलग अलग जगह हम कवर करेंगे। सो डू लुक फॉर दैट। तब तक के लिए सी यू लेटर।